हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी करण में आपका स्वागत है। आज मैं फेसबुक की कुछ खुफिया सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, फेसबुक की कुछ सीक्रेट सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। चलते हैं, फेसबुक की कौन कौन सी कुछ सेटिंग है, क्या उन सी सेटिंग चालू करने से क्या होता है और कौन सी सेटिंग चालू ना करने से क्या होता है। तो चलते हैं, वो कौन कौन सी सेटिंगें हैं। तो सिंपली से चले आना है हम अपने फेसबुक पर। फेसबुक पर चले आने के बाद यहाँ पर चले आना है, एडिट प्रोफाइल पर। यहाँ पर से आप देख सकते हैं यहाँ कि आप यहाँ आने के बाद यहाँ पर कोई भी आप अपनी फोटो सेलेक्ट करके लगा सकते हैं और सिंपली इसे बैक कर देना है। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपनी फाइल लॉक की हुई है, तो इसे सिंपली से पहले मैं अनलॉक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं फाइल मेरी अनलॉक हो चुकी है। और यहाँ पर आने के बाद चले आना है सिंपली से इस तरीके, कुछ कॉपी लिंक सर्च मिलेगा आपको, व्यू शॉर्टकट मिलेगा, रिव्यूज मिलेगा, मैनेज योर पोस्ट मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं जितनी आपने पोस्ट की हुई हैं, फोटो वीडियो यहाँ पर सब शो होने लगेगी। और नंबर यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पर एक्टिव अकाउंट स्टेटस, यहाँ पर आपका स्टेटस शो होने लगेगा। यदि आप इसे भी ऑफ करना चाहते हैं तो इसे भी ऑफ कर सकते हैं। मैनेज पोस्ट, यहाँ पर रिव्यू पोस्ट एंड टैग यहाँ पर देखने को आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। देख सकते हैं जो जिससे रिलेटेड है वहाँ पर देख सकते हैं, ये सब टैग लगाकर लिखे हुए हैं यहाँ पर देख सकते हैं। सिंपली इसे बैक कर देना है, बैक करने के बाद यहाँ पर फिर सिंपली कट कर देना है। आ जाना है यहाँ पर अपने, चले जाना है यहाँ पर से सी ऑल फ्रेंड्स पर। जाओगे तो यहाँ पर आपके जितने फ्रेंड हैं यहाँ पर उनकी सारी लिस्ट खुल जाएगी जितने फ्रेंड हैं। और यहाँ पर सिंपली चले जाना है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर देख सकते हैं। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एडिट पब्लिक डिटेल, मैंने अपनी प्रोफाइल पूरी पब्लिक शो कर रखी है। और यहाँ पर प्लीज चले आना है, यहाँ पर जितने आपके फ्रेंड्स हैं यहाँ पर चले जाना, किसी एक फ्रेंड्स को चेक कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरे यहाँ पर इतनी रिक्वेस्ट आ चुकी है मेरी। और यहाँ पर सिंपली बैक कर देना है, बैक करने के बाद अब यहाँ पर किसी एक फ्रेंड को चूज कर लेना है। यहाँ पर चले जाना है सी कुलदीप अबाउट, यहाँ पर लिखा हुआ सी अबाउट इन्फॉर्मेशन में चले जाना है। यहाँ पर कुछ सारे यहाँ पर देख सकते हैं इसका प्लेस, ये कहाँ से है, कहाँ का रहने वाला है, जो इसने इंस्टीट्यूट करी है उसके बारे में सारी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और यहाँ पर चले जाना है किसी, और इसके जितने फ्रेंड होंगे यहाँ पर शो होने लगेंगे इस प्रोफाइल के, और किसी एक को ले लेना है। यहाँ पर चले जाना है, यहाँ पर देख सकते हैं इसकी भी प्रोफाइल आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सी ऑल फ्रेंड्स, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर चले जाना है, यहाँ पर भी चले जाना है, यहाँ पर किसी एक फाइल को फिर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जिन्होंने अपने प्राइवेसी पर लॉक लगा रखा है उनका नंबर नहीं है, अन्यथा किसी किसी का नंबर यहाँ पर शो होने लगता है। तो आपको अपने प्रोफाइल को प्राइवेसी लगा कर रखना है अपने नंबर पर, सिंपली से कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पर चले आना, सिंपली बैक कर देना है, बैक करने के बाद यहाँ पर आ जाना है, सिंपली से पूरा बैक कर देना है। बैक करने के बाद यहाँ पर आ जाना है, देख सकते हैं प्राइवेसी एंड सेटिंग पर चले जाना है। प्राइवेसी एंड सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाने के बाद यहाँ पर सेटिंग पर चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ कुछ इस तरीके के फाइल खुल जाएंगी। यहाँ पर पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन, यानी पर जो आपने अकाउंट बनाया हो पर्सनल यानी उससे रिलेटेड पूछ रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आप ओपन करोगे तो यहाँ पर से देख सकते हैं
यहाँ पर कितने सारे कनेक्ट दिखे हुए हैं, लेकिन ये कनेक्ट पूरे ऑफ हो चुके हैं मेरे, इतने मेरे नंबर थे, इसलिए यहाँ पर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ से कनेक्ट मिल जाएगा आपको। यहाँ आइडेंटिटी कंफर्म, यहाँ पर आइडेंटिटी कंफर्म कर सकते हैं, और यहाँ पर कंफर्म योर आइडेंटिटी यानी आप किस आइडेंटिफाई मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है, और कनेक्ट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर देख सकते हैं। नॉट नाउ ट्रांसफर, यहाँ पर आपको सिंपली लॉक लगा देना है यहाँ पर, कि कोई शो ना करे आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर, कीप नंबर योर रूम अपडेट नंबर, यहाँ पर आपको प्राइवेसी लगा देना है। नॉट नाउ के यहाँ पर ईमेल और फ़ोन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी मिल जाएगा, यहाँ पर जिसमें आप पासवर्ड और सिक्योरिटी जिस पर लगाना चाहते हैं यहाँ पर लगा सकते हैं। रिकवर अकाउंट, यहाँ पर से आप ईमेल रिकवर अकाउंट कर सकते हैं, एक्सटर्नल अकाउंट यहाँ पर कर सकते हैं, सेफ ब्राउजिंग यानी जो ब्राउजिंग आपने कुछ डाल रखा है यहाँ पर से आप सेव भी कर सकते हैं सेफ यहाँ पर, और ऐप पासवर्ड यहाँ पर पासवर्ड भी लगा सकते हैं आप, यहाँ पर जो पासवर्ड आपको डालना है वहाँ पर डालकर आप पासवर्ड लगा सकते हैं, या चेंज भी कर सकते हैं, कंटिन्यू कर देना है यहाँ पर। यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है यानी जो फेसबुक का हमारे पासवर्ड है वो ईमेल है, यहाँ पर से आप बना सकते हैं और रिमूव करके दूसरा भी चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली इसे बैक कर देना है, बैक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं चेंज पासवर्ड, यहाँ से आप पासवर्ड भी चेंज करके कर सकते हैं, यहाँ से भी जो आपको पासवर्ड डालना है उसको पासवर्ड डालकर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी न्यू पासवर्ड बना सकते हैं। यदि आपको पासवर्ड नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड में जाना है और यहाँ से कट करके कैंसिल करके न्यू न्यू अपडेट कर देना है, न्यू पासवर्ड अपडेट कर देना है, और यहाँ पर से सिंपली बैक चले आना है। यहाँ पर से आने के बाद यहाँ पर रिकवर अकाउंट एडवांस में यहाँ पर से अकाउंट रिकवर कर सकते हैं, सी रीसेट ईमेल फॉर फेसबुक, यहाँ पर इफ़ यू थिंक योर अकाउंट वाज हैक्ड, यहाँ पर आपका अकाउंट हैक होने को बता रहा है, तो आई फाउंड द पार्ट ऑफ द इवेंट द डिड क्रिएट सम इल्स विद माई अकाउंट विद माई परमिशन, यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है, सेकेंड में यहाँ पर कर देना है। पीपल कैन सी थिंग थॉट वी आर प्राइवेट, यहाँ पर आप भी प्राइवेट कर सकते हैं। आई डिडंट सी द राइट ऑप्शन टू द लिस्ट, यहाँ पर इसे ऑन करना है तो ऑन कर देना है, यदि ऑफ करना है तो ऑफ कर देना है, यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। करने के बाद यहाँ फिर सिंपली कुछ इस तरीके का हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिविटी ऑफ मैनेज योर प्राइवेसी, देख सकते हैं यहाँ पर प्राइवेसी लग चुकी है। फिर सिंपली इसे बैक कर देना है, बैक करने के बाद यहाँ पर सिंपली बैक करने के बाद फिर आ जाना है यहाँ पर, अब देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, यदि कमेंट को नोटिफिकेशन जिसका नोटिफिकेशन आप पाना चाहते हैं तो कनेक्ट में जाना है, इसे देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन, जो कोई मैसेज इसमें करेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कुछ ईमेल इसमें से यहाँ पर तीनों ऑन है तो ऑन रहना, यदि आपको ऑफ करना है तो आप ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे सिंपली ऑन ही रखना है तो मैंने इसको ऑन ही कर रखा है। और यहाँ पर देख सकते हैं टैक्स, यहाँ पर काफ़ी सारे आपको टैक्स यहाँ पर मिल जाएंगे, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स देख सकते हैं, और यहाँ पर अपडेट फ्रॉम फ्रेंड्स से फ्रेंड रिक्वेस्ट यहाँ पर देखने को आप यानी जो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट जिस जरिए भेज सकते हैं तो आपको यहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्ट देखने में मिल जाएगा। यहाँ पर ग्रुप्स फॉर जो है एसएमएस, यहाँ पर ग्रुप्स मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं जितने ग्रुप आपके हैं यहाँ पर, वहाँ पर आपको सब यहाँ पर आपके ग्रुप शो होने लगेंगे, जितने ग्रुप हम देख सकते हैं, काफ़ी सारे मेरे ग्रुप बने हुए, मैंने काफ़ी ग्रुप ज्वाइन किया हुआ, तो यहाँ पर देख सकते हैं ढेर सारे ग्रुप आपको देखने को मिल जाएंगे। सिंपली से इसे बैक कर देना है, यहाँ पर आपको वीडियो कुछ ईमेल यहाँ पर से इसे ऑन करना है, यदि शो कराना चाहते तो ऑन कर दीजिए, यदि आप नहीं शो कराना चाहते हैं अपने ईमेल कुछ वीडियो इसमें तो यहाँ पर से आप ऑफ कर सकते हैं। अदर नोटिफिकेशन में जाना है, यहाँ पर भी वही इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और यहाँ पर पुश ऑन ईमेल एसमेंट सजेशन, इसे भी आपको यदि ऑफ करना है तो ऑन कर देना, यहाँ पर मार्केट स्पेस, यहाँ पर जो अपने मार्केटिंग जो स्पेस यहाँ पर डालना है तो आप डाल सकते हैं, सिंपली इसे बैक कर देना है। बैक करने के बाद यहाँ पर न्यू फीड दिख रहा है,
न्यू फीड में जाना है, यहाँ पर देख सकते हैं फॉलो वन फॉलो और रिसेंट का दिया हुआ है, तो यहाँ पर जिसे आप अनफॉलो करना चाहते हैं तो अनफॉलो पीपल द सिंक टू द पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पास लैंग्वेज एंड रीजन यहाँ से आप भी कर सकते हैं, जो आप फेसबुक में लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं ट्रांसलेटेड टू इनटू हिंदी, यहाँ पर इंग्लिश अगर होगा, यदि कोई लिखा रहता है कुछ भी किसी भाषा में लिखा रहता है फेसबुक में स्टोरी में, यदि किसी के स्टोरी पर और वीडियो पर लिखा होता है किसी भी भाषा में, यहाँ पर अगर हिंदी रखोगे यहाँ पर देख सकते हैं लैंग्वेज बटन्स दिस हिंदी, यहाँ पर जो भाषा आपको चूज करनी है जिस भाषा में उसे देखना है अनुवाद करना है तो उसे सिंपली सेव कर देना। तो मुझे हिंदी में है तो मैंने इसे पहले से ऑलरेडी हिंदी रखा है, किसी भी भाषा का ट्रांसलेटर आप यहाँ पर फेसबुक में हिंदी करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर मीडिया में जाना है, यदि आप मीडिया देख सकते हैं डाटा सेवर करना चाहते हैं तो डाटा सेवर भी आप लगा देना है। डाटा सेवर करने से आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है क्वालिटी भी क्लियर देखेगी और आपकी MB ज़्यादा नहीं यूज होगी। वीडियो स्टार्ट विद साउंड करने, यदि वीडियो स्टार्ट होते आप साउंड लगाना चाहते हैं तो उसे भी कर सकते हैं। वीडियो अपलोड HD में किस यानी वीडियो किस तरीके से अपलोड करना चाहते हैं इस पर फेसबुक पर HD में अपलोड करना चाहते हैं, यदि ऐसे ही लोड करना तो इसे ऐसे ही रखने देना है, यदि HD में लोड करना तो इसे ऑन कर देना है। यहाँ पर फोटो अपलोड HD, यदि फोटो अपलोड HD में करना चाहते हैं तो यहाँ पर HD में कर देना है। यहाँ पर रीडर्स 3D फोटो मेंशन यहाँ पर करना है, 3D रीडर्स देखने में अगर लगाना चाहते हैं तो इसे भी ऑन कर देना है। तो मुझे इस तरह के नहीं करना है क्योंकि इसमें डाटा ज़्यादा यूज होता है, तो मैंने इसे सिंपली ऑफ ही रखा है। और यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर स्टोरी देख सकते हैं, फॉलो एंड कमेंट्स देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पब्लिक यानी पब्लिक आपको देख रही है, पब्लिक यानी फ्रेंड्स पे कर देंगे तो आपको फ्रेंड्स भी देखेंगे। यू कैन सी योर फॉलोअर्स टू टाइमलाइन, यहाँ पर पब्लिक फॉलोअर्स बढ़ाने की बात हो रही तो यहाँ पर पब्लिक मैंने कर रखा है क्योंकि यहाँ पर पब्लिक होंगे तभी फॉलोअर्स आपके बढ़ेंगे। सिंपली इसमें पब्लिश कर देना है, यहाँ पर बैक कर देना है, बैक करने के यहाँ पर बुकिंग काफ़ी सारी यहाँ पे और सारे फीचर हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर, यदि वीडियो पसंद लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं अपने चैनल में इसी तरह के वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू।